आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जांपल ऑफ ओके हमारे पास पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कम्प्लीमेंट्री जीन तो यहाँ देखते हैं हम कम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है जो कम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जेनेटिक लोकाई पर ओके और ये जो जीन्स होते हैं ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ईच अडर से और एक्सप्रेस करते हैं सिंगल कैरेक्टर इन अ कॉम्बिनेशन ओके और ये जो हमारे कम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं ये हमारे म्यूटेंट एलिल्स होते हैं जो कि हमने बताया ये म्यूटेंट एलिल्स होते हैं हमारे डिफरेंट लोकाई पे ओके जो कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं वन एन को और हमें क्या देते हैं हमें देते हैं ये वाइल्ड टाइप ये हमें देते हैं वाइल्ड वाइल्ड टाइप टाइप फिनोटाइप फिनोटाइप ओके हमें मिलता है इससे ओके okay? सो so ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री जीन दूसरा हमारा इनहिबिटरी जीन ओके जो इनहिबिटरी जीन होते हैं ये इनहिबिट करते हैं इनहिबिट करते हैं ये क्या किसे इनहिबिट करते हैं एक्सप्रेशन ऑन अ एक्टिव okay? इनहिबिट करते हैं, okay? so ये हमारा हमारा हो गया inhibitory genes, okay? Third क्या है हमारा? Recessive Epistasis. अब हम देखेंगे Recessive Epistasis क्या होता है। इसमें क्या होते हैं एलील्स होते हैं और ये जो एलील्स होते हैं ये वन जीन को क्या करते हैं मास्क करते हैं ओके okay? कि वन जीन को मास्क करते हैं और इफेक्ट करते हैं आइडर एलील ऑफ अ सेकेंड जीन में ओके okay? एक जीन को मास्क करेंगे और इफेक्ट करेंगे सेकंड जीन पे तो ये हमारा हो जाएगा रेसेसिव एपिस्टेसिस ओके फोर्थ हमारा क्या हो गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस ओके तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो फिनोमिना है ये हमारा फिनोमिना है मास्किंग और सुप्रेसिंग ओके okay? ये सुप्रेसिंग या मास्किंग का फिनोमिना है और इसमें क्या होता है एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन होता है बाय अ डोमिनेंट नॉन एलिल जीन ओके इसमें जो एक्सप्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है नॉन एलिल जीन के थ्रू होता है ओके सो so, हम अपने क्वेश्चन में जो देख रहे हैं यहाँ पे दिया फ्रूट कलर इन स्क्वेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओके तो जो इसमें जो फ्रूट कलर्स होते हैं जैसे कि हमारा कोकुम्बर हो गया या शमर स्क्वैच हो गया ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस के होते हैं ओके okay? क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें मास्किंग और सुप्रेसिंग होता है एक्सप्रेशन का जिसमें जीन को ओके? Okay? जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है सो राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन डी ओके बाकी के ऑप्शन हमारे रॉन्ग है ओके थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी जे और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करे डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर